ये इमर्सन कूलिंग का सेटअप है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बोलेरो का रेडिएटर है, बोलेरो गाड़ी का रेडिएटर है। इसमें कूलर का फैन लगा करके इसको कूलिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये एसी से चलता है कूलर का फैन। इसको भिगो नहीं सकते, बाहर नहीं लगा सकते, पानी पड़ेगा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको कमरे में लगाया गया है। तो कूलर का फ़ैन यहाँ लगाया गया है, ये बोलेरो का रेडिएटर है। ये होस पाइप इसको बोलते हैं, रबड़ का होस पाइप जो गाड़ियों में यूज़ किया जाता है उससे इसको कनेक्ट किया गया है। मोटर ये हाफ HP का मोटर है, लेकिन आपको हाफ HP नहीं यूज़ करना है, 1 HP का यूज़ करना है मोटर, क्योंकि ये बहुत स्लो है। और फिर इधर से पाइपें कनेक्ट कर दी गई हैं टैंक में, ये दो पाइपें हैं। और ये जो है रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर काम क्या करता है, ये जो मोटर है इसकी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए है, ये रेगुलेटर कम ज़्यादा करने के लिए है। और ये टैंक है, टैंक को ओपन करते हैं, फिर मशीन के बारे में देखते हैं। ये टैंक ओपन कर दिया, इसमें 2 T17 चल रहे हैं, 2 T17 चल रहे हैं। माइनर में कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं करना है, माइनर को लाना है और सीधे टैंक में डाल देना। फ़ैन वैन कुछ नहीं निकालने हैं, किसी में भी से भी फ़ैन नहीं निकालने हैं। तो मैंने क्या किया है कि माइनर को डाला, ये देखिए ये बैक साइड का है, तो माइनर को इसमें वैसे ही डाल दिया। पावर केबल उधर लगा है, नीचे की साइड में पावर केबल इसके लगे हुए हैं, लाइन केबल भी नीचे के साइड में लगा है। जिधर से हवा खींचता है वो हिस्सा नीचे रहेगा, तो ऑयल उधर से खींचेगा फ़ैन और ऊपर फेंकेगा। कुछ लोगों का कहना है कि फ़ैन नहीं चल रहे हैं उनके, ऑयल में फ़ैन नहीं चल रहे हैं उनके, क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा गहराई में डुबा दे रहे हैं जिसकी वजह से फ़ैन नहीं चल रहा है, और नहीं तो वो फ़ैन में ज़्यादा ब्लेड है। इसमें 5 या 6 अल्टमाइनर का ओरिजिनल फ़ैन है, इसलिए वो चल रहा है। ये वाले भी फ़ैन चलते हैं, ये भी रीज़न हो सकता है, फ़ैन की वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो माइनर में कोई कस्टमाइजेशन नहीं, यहाँ तक कि PSU का भी फ़ैन चल रहा है अंदर, और वहाँ से ऑयल को खींच रहा है, नीचे से आगे की साइड से ऑयल खींच रहा है और ऊपर फेंक दे रहा है। तो उससे क्या है कि ऑयल का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, नीचे से ऑयल जो है ठंडी ऑयल जो है बाहर फेंक दे रहा है। ठंडी ऑयल कैसे आ रहा है, अब इसका सर्किट देख लीजिए, यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसे है। तो ये जो ऑयल इधर गिर रहा है इस पतले वाले टैंक में, यहाँ से ये मोटर खींच रहा है, ये ऑयल गर्म ऑयल को खींच रहा है, और ये मोटर फिर वापस जो है ऊपर रेडिएटर में यहाँ डाल रहा है गर्म ऑयल, फिर यहाँ रेडिएटर में ठंडा हो रहा है वो ऑयल, और ठंडा होकर नीचे से आपको दिख रहा होगा शायद, देखिए नीचे से, यहाँ नीचे से एल्युमिनियम फॉइल लगाया है, जो कि लीकेज होगा तो रबड़ का हॉस पाइप होता है तो ख़राब ना हो जाए, इसलिए एल्युमिनियम फॉइल से कनेक्ट किया है। और यहाँ पे एकदम नीचे ये माइनर में कनेक्ट होकर के बड़े वाले टैंक में आ रहा है ठंडी ऑयल, ठंडी ऑयल नीचे आ रहा है और वो खींच करके वापस फिर इधर फेंक रहा है। ये सर्कुलेशन चल रहा है और वो ठंडा होता जा रहा है, बस यही है। जैसा कि मैंने बोला, माइनर में कोई कस्टमाइजेशन नहीं करना है, सीधे डाल देना है आपको इसमें टैंक में। और हाँ, एक चीज़ और है, इसमें हाई ओएस में इंस्टॉल किया हूँ, और हाई ओएस में इमर्सन कूलिंग का ऑप्शन रहता है फ़ैन में, इमर्सन कूलिंग इनेबल कर देंगे, हाई ओएस या वैनिस जो भी हो, इमर्सन कूलिंग वाला इनेबल कर देंगे तो फ़ैन एरर नहीं आएगा और फ़ैन 10% स्पीड के साथ चलेगा ये, ठीक है। तो यही है, और कोई डाउट्स होगा या कुछ कंफ्यूजन होगा तो बताना, मैं इमर्सन कूलिंग पे लाइव आ जाऊंगा और उसी टाइम सेटअप में जो भी डाउट्स रहेगा आप लोग पूछ लीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो देखिए, कोई डाउट्स है तो दोबारा आप लोग बताइएगा, किसी एक दिन हम लोग ऑनलाइन आ जाएंगे और सारे डाउट्स सभी का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर मैं दे दूंगा इस इमर्सन कूलिंग के साथ, ठीक है। तो ये सबसे छोटा मॉडल है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे 2 मशीनें चल रही हैं, पर ये 2 मशीनें जो है आपका टेम्परेचर जा रहा है 70 तक पहुंच जा रहा है, टेम्परेचर 70 तक जा रहा है इसका, तो 2 मशीन से ज़्यादा नहीं चल सकता है इस रेडिएटर में, इस रेडिएटर से और इस पंप से। ये हाफ HP का है, 1 HP का मैं पंप बता रहा हूँ, 1 HP में 2 मशीनें ही बस चलेंगी। तो 2 मशीन, चूँकि टैंक मेरा बड़ा है इसलिए ऑयल ज़्यादा लग गया है, उस साइड में भी उतना गैप है, इस साइड में भी उतना गैप है, तो ऑयल ज़्यादा ले लिया है और इसमें भी ज़्यादा भरा हुआ है ऑयल, इतना नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इसलिए ऑयल ज़्यादा लग गया है। लेकिन यह है कि ये 2 मशीनों के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।